अपर मुख्य सचिव पंचायती राज के निर्देशानुसार जिले में क्षेत्र पंचायतों के गठन के बाद मंगलवार को ब्लॉक प्रमुख और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को शपथ दिलाया गया। इसके बाद पहली बैठक भी हुई, जिसके साथ ही इनका कार्यकाल भी शुरू हो गया। सुबह 11 बजे से सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर आयोजित कार्यक्रम में जिला स्तरीय अधिकारियों ने पहले ब्लॉक प्रमुखों को शपथ दिलाई। इसके बाद प्रमुखों ने क्षेत्र पंचायत सदस्यों को शपथ दिलाई। ब्लॉक प्रमुखों को शपथ दिलाने के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। शपथ कार्यक्रम के बाद हुई क्षेत्र पंचायतों की बैठक में विकास पर चर्चा हुई। गौरतलब है कि सोमवार की शाम को ही जिलाधिकारी के हस्ताक्षर होने के साथ ही क्षेत्र पंचायतों के गठन संबंधी अधिसूचना जारी हो गई थी। मंगलवार को अलग अलग ब्लॉकों में जिन अफसरों ने ब्लॉक प्रमुखों को शपथ दिलाई, उनमें खजनी में SDM खजनी पवन कुमार, बासगांव में SDM बासगांव, बढ़लगंज में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बेलघाट के जिला गन्ना अधिकारी, भरोइया में जिला कार्यक्रम अधिकारी, भटट में जिला युवा कल्याण अधिकारी, ब्रह्मपुर में SDM चौरी चौरा, कैंपियरगंज में वहां के SDM, चरगावा में SDM सदर, गगहा में मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य पालक, गोला में वहां के SDM, जंगल कौड़िया में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अधिशासी अभियंता, कौड़ी राम में जिला सहायक निबंधक सहकारी समितियां, खोराबार में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, पाली में जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, पिपराइच में अधीक्षक राजकीय उद्यान, पिपरौली में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, सहजनवा में वहां के SDM, सरदारनगर में जिला बचत अधिकारी, उरवा में भूमि संरक्षण अधिकारी ने शपथ दिलाई। जिसके संबंध में DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि सभी ब्लॉकों पर ब्लॉक प्रमुखों एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने शपथ ले ली। ब्लॉकों में शपथ के बाद पहली बैठक भी हुई, जिससे क्षेत्र के विकास कार्यों में तेजी आएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा, गोरखपुर में सभी 20 जनपदों में आज 20 तारीख को प्रमुख जी एवं सभी BDC मेंबर्स का शपथ ग्रहण समारोह शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। कुल मिलाकर के 1700 BDC मेंबर एवं 20 ब्लॉक के प्रमुख का आज शपथ ग्रहण समारोह था। इसके लिए तैयारियां पहले से की गई थी। हर ब्लॉक पर शपथ दिलाने के लिए, प्रमुख को शपथ दिलाने के लिए जिला स्तरीय अधिकारी या उप जिला अधिकारी को नामित किया गया था। साथ ही बाद में प्रमुख या उनकी अनुपस्थिति में खंड अधिकारी के द्वारा सभी 56 सदस्यों को शपथ दिलाई गई। और इसके पहले कल 19 तारीख को जिलाधिकारी महोदय के द्वारा सभी 56 का संगठन कर दिया गया। 56 में सभी निर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्य के अलावा उस ब्लॉक के प्रधान पदेन सदस्य होते हैं। इसके अलावा उस क्षेत्र के जो माननीय MLA या MP महोदय होते हैं वे भी पदेन सदस्य होते हैं। इसके अलावा अगर कोई MLC या राज्यसभा सदस्य, माननीय MLC या राज्यसभा सदस्य का अगर किसी ब्लॉक के निर्वाचक मंडल में शामिल है, अगर किसी ब्लॉक के वोटर हैं, तो वो भी उस ब्लॉक के पदेन सदस्य में शामिल होते हैं। इस आधार पर सभी ब्लॉक के क्षेत्र पंचायत का संगठन करके आज शांतिपूर्वक सभी 20 ब्लॉक में गोरखपुर के सभी 20 ब्लॉक में शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो गया।